अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वीडियो में हम क्लासिक साइंस यूनिट 3 और यूनिट 4 के सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट यूनिट नंबर 3, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एमसीक्यूज नंबर 1, प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डैश ए रेस्पिरेशन, बी फोटोसिंथेसिस, सी स्टोमेटा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है वो अपने लीव्स में एक प्रोसेस के ज़रिए अपनी खुराक तैयार करते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। सिक्यूज नंबर 2, ऑल लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डैश ए फोटोसिंथेसिस, बी रेस्पिरेशन, सी कंडेंसेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रेस्पिरेशन। तमाम लिविंग थिंग्स जो है, जानदार अशिया जो है, वो खुराक से एनर्जी हासिल करते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। सिक्यूज नंबर 3, इन द लीफ द लोअर एपिडर्मस है स्मॉल पोर्स कॉल्ड, एक लीफ में जो लोअर एपिडर्मस होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्टोमेटा। एमसीक्यूज नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्टोमेटा। एमसीक्यूज नंबर 4, मेसोफाइल टिश्यू विच लाइज बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मस कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड। मेसोफाइल टिश्यू जो अपर और लोअर एपिडर्मस के दरमियान मौजूद होता है, उनमें एक ग्रीन किस्म का पिगमेंट मौजूद होता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्टोमेटा। ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफाइल। एंड ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफाइल, उसको क्लोरोफाइल कहा जाता है। सिक्यूज नंबर 5, जाइलम ट्रांसपोर्ट डैश एंड डैश फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम जो है ये प्लांट में क्या किरदार अदा करते हैं, किन चीज़ों को रूट से प्लांट के अपर पार्ट तक पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए, वाटर एंड साल्ट्स। ऑप्शन नंबर बी, वाटर एंड फूड। ऑप्शन नंबर सी, वाटर एंड ऑक्सीजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वाटर एंड साल्ट। जाइलम का बुनियादी काम है ये वाटर एंड साल्ट को रूट से प्लांट के अपर पार्ट तक पहुंचाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वाटर एंड साल्ट्स। एमसीक्यूज नंबर 6, डैश ट्रांसपोर्ट फ्रॉम फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। कौन सी चीज़ है जो फूड को लीव से प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। एंड ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। फ्लोएम जो है ये खुराक को लीव से प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है। एमसीक्यूज नंबर 7, क्लोरोपाइल अ ग्रीन पिगमेंट एग्जिस्ट इन द डैश ऑफ द प्लांट। क्लोरोपाइल जो ग्रीन पिगमेंट है ये प्लांट के किस हिस्से में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए, स्टेम। ऑप्शन नंबर बी, रूट। सी, लीव्स। डी, फ्लावर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लीव्स। क्लोरोफाइल जो है ये लीव्स में मौजूद होता है हमेशा। सिक्यूज नंबर 8, द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर रेंजेस फ्रॉम डैश टू डैश परसेंट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो कंसंट्रेशन है एटमोस्फियर में, उसका रेंज कितने से कितने तक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 0.03 to 0.04। एमसीक्यूज नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 0.03 to 0.04। सिक्यूज नंबर 9, अ सूटेबल टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम डैश टू डैश इज टू रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सूटेबल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उसका रेंज कितना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 25 degrees centigrade to 35 degrees centigrade। सिक्यूज नंबर 10, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन टू डैश इन लीव्स। लीव्स में ग्लूकोज किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, ए स्टार्क, बी फैट्स, सी कार्बोहाइड्रेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्टार्क। सिक्यूज नंबर 11, व्हेन आयोडीन कंबाइंस विद स्टार्क इट गिव डैश कलर। जब आयोडीन जो है ये स्टार्क के साथ कंबाइन हो जाता है तो इसका कलर कौन सा कलर बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए, वाइट। ऑप्शन नंबर बी, डार्क ब्लू। ऑप्शन नंबर सी, डार्क ब्राउन। एंड ऑप्शन नंबर डी, येलो। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डार्क ब्लू। सिक्वेंस नंबर 12, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ग्लूकोज इज ब्रोकन, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नंबर बी, रिलीज इज एनर्जी, ये भी ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन इज गिवन आउट, ये जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में दुरुस्त है। सिक्वेंस नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन इज गिवन आउट।
मिसेस क्यूज नंबर 13, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रिस्पायरेशन, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से रिस्पायरेशन के बारे में ट्रू है। ऊपर ए और बी जो है ग्लूकोज पर पाम एंड अकर ओनली इन प्लांट्स से, लिए दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर दी वास्ट प्रोडक्ट, ये ऑप्शन ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर दी वास्ट प्रोडक्ट्स। एमसीक्यूज नंबर 14, विच ऑफ दीज इज नॉट नीडेड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनमें से किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती फोटोसिंथेसिस में। तो इसका सही जवाब है सी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। इसके बाद है यूनिट नंबर 4, एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन, उनमें से एमसीक्यूज नंबर 1, द लिविंग थिंग्स इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड नॉन बायोटिक, अनबायोटिक, एबायोटिक। एमसीक्यूज नंबर 1, यूनिट नंबर 4, एमसीक्यूज नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एबायोटिक। एनवायरनमेंट में जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको बायोटिक कंपोनेंट हमेशा कहा जाता है, और जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं उनको एबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। सिक्वेंस नंबर 2, डैश आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ए प्रोड्यूसर, बी कंज्यूमर, सी डिकम्पोजर। इसका सही जवाब है सी, डिकम्पोजर्स। एमसीक्यूज नंबर 3, डेजर्ट्स आर फाउंड इन ड्राई रीजन्स वेयर द टोटल एनुअल रेनफॉल इज लेस देन डैश मिलीमीटर, डेजर्ट जो है वो उन रीजन उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां सालाना रेनफॉल जो है वो कितने मिलीमीटर से कम होती है। एमसीक्यूज ऑप्शन नंबर ए 150, ऑप्शन नंबर बी 200 एंड ऑप्शन नंबर सी 250, ऑप्शन नंबर डी नोन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 250, जहां सालाना रेनफॉल जो है एनुअल रेनफॉल 250 से कम होती है, 250 मिलीमीटर से कम होती है, वहाँ जो है डेजर्ट पाए जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4, एंड डैश वाटर इज स्कर्स एंड ह्यूमिडिटी इन द ईयर इज वेरी लो, कहाँ पे वाटर जो है वो स्कर्स मिकदार में होता है, बहुत कम मिकदार में होते हैं, और ह्यूमिडिटी जो है वो पूरा साल बहुत लो होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डेजर्ट। एमसीक्यूज नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डेजर्ट। एमसीक्यूज नंबर 5, द क्लाइमेट ऑफ डैश इज़ वार्म एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर, किसका क्लाइमेट जो है वो वार्म एंड ह्यूमिड होता है थ्रू आउट द ईयर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट जो है ये थ्रू आउट द ईयर वार्म और ह्यूमिड होता है। एमसीक्यूज नंबर 6, द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ आर बेनिफिटेड एंड नाइदर इज हार्मफुल इज कॉल्ड, ऐसा रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान जिस रिलेशनशिप में दोनों एक दूसरे को फ़ायदेमंद हो और एक दूसरे को फ़ायदा ना नुकसान ना पहुंचाए, उसको क्या कहा जाता है, उस रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, म्यूटलिज्म। एमसीक्यूज नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, म्यूटलिज्म। एमसीक्यूज नंबर 7, मस्कीटो फीडिंग ऑन ह्यूमन ब्लड इज द एग्जांपल ऑफ मस्कीटो फीडिंग, ये किस रिलेशनशिप की मिसाल है, ये पैरासिटिज्म की मिसाल है, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म वो रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। एमसीक्यूज नंबर 8, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पैरासाइट्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में एक पैरासाइट की मिसाल कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए अर्थवर्म, ऑप्शन नंबर बी टेपवर्म, ऑप्शन नंबर सी प्लेनेरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टेपवर्म। टेपवर्म जो है ये इंसान के बॉडी के अंदर पाया जाता है, पैरासाइट्स है। एमसीक्यूज नंबर 9, लाइन इज रिगार्डेड एज खाली जगह इन प्रेडेटर प्री रिलेशनशिप, प्रेडेटर प्री रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप है जिसमें अच्छा एमसीक्यूज नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रेडेटर। लाइन जो है प्रेडेटर प्री रिलेशनशिप में प्रेडेटर है, और लाइन जिस चीज़ का शिकार करता है उसको प्री कहा जाता है, मतलब शिकारी और शिकार। तो एमसीक्यूज नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रेडेटर। तो ये थे यूनिट नंबर 3 और 4 के एमसीक्यूज। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 5 और उसके बाद जितनी भी यूनिट है वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।